हाँ फ्रेंड, अगेन वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। फिर से मैं लाया हूँ आपका इंडियन एयरफोर्स नेवी का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिमिट का क्वेश्चन है जो कि 11th क्लासेस का ये चैप्टर है। लिमिट हमको करना है एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन है और एक्स टेंस टू वन है, तो इसका लिमिट सॉल्यूशन करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहला बात कि लिमिट है एक्स टेंस टू वन है और एक्स क्यू माइनस वन है, तो ए बनेगा फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू पे। फार्मूला पे तोड़ दीजिए, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये इसको हम लोग तोड़ दिया और नीचे एक्स माइनस वन है तो कैलकुलेशन कट जाएगा और बचेगा एक्स टेंड टू वन है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे वन पुट कर देंगे तो वन का स्क्वायर वन और वन, तो इसका रिजल्ट आएगा थ्री। तो बिल्कुल आसान था यहाँ पे, ये इसका फार्मूला अगर नीचे वाला को काट देना था, जो आएगा एक्स की जगह पे वैल्यू रख देना था वन और जो सॉल्यूशन आएगा राइट आंसर बनेगा थ्री। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा दूसरा। अगेन लिमिट का ही क्वेश्चन है, एक्स टेंस टू टू है और एक्स के पावर फोर माइनस सोलह अपॉन एक्स माइनस टू, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट लिमिट का जो क्वेश्चन है एक्स टेंस टू टू है, एक्स के पावर फोर माइनस सोलह है, तो एक्स के पावर तो एक्स के पावर फोर छोड़ दिया, माइनस सोलह को लिख सकते हैं दो के पावर चार, उसको लिखा। अब एक फार्मूला है कि जब एक्स के पावर और माइनस या प्लस ए के पावर दोनों पावर सेम रहेगा और इसका बेस वाला नीचे रहेगा तो डायरेक्ट हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, जो एक्स रहेगा एक्स वाले पार्ट का डिफ्रेंसिएशन। तो एक्स के पावर फोर का डिफ्रेंसिएशन हुआ फोर एक्स क्यू और फोर एक्स क्यू के जगह पे अब एक्स के वैल्यू रख देंगे तो एक्स का वैल्यू टू यहाँ पे रखेंगे तो टू का क्यू बनेगा एट और एट फोर जा थर्टी टू, इसका राइट आंसर बनेगा। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, थर्टी टू इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा करेक्ट सही है। नेक्स्ट है वाई का वैल्यू दिया हुआ है रूट अंडर वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स, हमें करना है इसका डिफ्रेंसिएशन। तो सबसे पहला बात कि रूट अंडर वाला केस है तो रूट अंडर को हम लोग लिख सकते हैं पावर में वन बाई टू, तो सेम थिंग्स इसका चलेंगे हम लोग आंसर देखेंगे। तो यहाँ वाई का वैल्यू दिख रहा होगा रूट अंडर वन प्लस एक्स अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स है, इससे हमको डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करना है डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम चीज़ों को देखेंगे। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि रूट अंडर वाले केस को हम लोग पावर में जाकर वन बाई टू लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग तोड़ा और हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन हम यहाँ चाहते हैं कि चैन रूल लगाना बहुत बेस्ट होगा क्योंकि वन प्लस एक्स बटा वन माइनस एक्स के पावर वन बाई टू इसको लिख सकते हैं और इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करा सकते हैं, तो बेस के रिस्पेक्ट में, और फिर इसी बेस को एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करा सकते हैं। तो ये यहाँ पे फार्मूला बनेगा एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन और यहाँ बनेगा यू बाई वी वाला फार्मूला डिफ्रेंशिएशन का। तो चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं, आप देख पा रहे होंगे रूट इसका हो जाएगा वन बाई टू और वन प्लस एक्स बटा वन माइनस एक्स के पावर वन बाई टू में से एक एन माइनस वन घट जाता है वन, और यहाँ यू बाई वी का फार्मूला होता है वी का स्क्वायर कीजिए और वी इंटू यू का डिफरेंशिएशन वन और माइनस यू को बाहर कीजिए और वी का डिफरेंशिएशन माइनस वन बनेगा। और फिर नेक्स्ट देखना चाहेंगे तो यहाँ बनेगा वन बाई टू वन प्लस एक्स के पावर और ये, तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे पावर को तो माइनस वन बाई टू देगा और इसको पूरा वो कैलकुलेशन करेंगे तो वन माइनस एक्स प्लस वन और प्लस यहाँ बनेगा वन बाई एक्स, तो एक्स और माइनस एक्स कट जाएगा तो बनेगा यहाँ पे टू बाई वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और इसको हम लोग लिख सकते हैं पलट कर, जैसे यहाँ माइनस है तो माइनस वन माइनस एक्स को ऊपर और वन प्लस एक्स को नीचे पलट कर रूट अंडर चढ़ा सकते हैं और टू से टू काट सकते हैं। तो अब जो यहाँ बात बन रहा है रूट अंडर वन माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर वन प्लस एक्स इंटू वन बटा में रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं लेकिन कोई ऑप्शन में मिल नहीं रहा था इसलिए हमको आगे सॉल्यूशन करना पड़ा। आगे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम सिर्फ ऊपर वालों को पावर में तोड़ेंगे, ऊपर वालों को पावर में तोड़ेंगे तो पावर वन बाई टू जाएगा और नीचे लिख सकते हैं रूट अंडर वन प्लस एक्स और इसको वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये तो ठीक है वन बाई रूट अंडर वन प्लस एक्स हो गया, लेकिन अब ये बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो इसको हम लोग ले नीचे ले आएंगे, जैसे ऊपर प्लस में है तो नीचे ले आएंगे पावर, तो माइनस वन बाई टू बनेगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ बनेगा पावर थ्री बाई टू, तो राइट आंसर बनेगा वन बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स सॉरी वन प्लस एक्स वन अपॉन वन माइनस एक्स का थ्री बाई टू। तो आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट, सॉरी दूसरा नहीं, यहाँ पे बनेगा पावर में है तो ये इनमें से कोई नहीं ऑप्शन बनेगा,
सॉरी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, क्योंकि आप ऑप्शन देख लीजिए थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा था। तो 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का पावर 3/2। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई का वैल्यू दिया है और इस बार भी हमको डिफ्रेंशिएट करना है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है क्योंकि फार्मूला बेस्ट पे तोड़ देना है। जैसे 1 माइनस एक्स कोस एक्स है, तो 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला लगा दीजिए हाफ एंगल वाला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसका लगा दीजिए 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इस तरह से टैन बनेगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं सॉल्यूशन। हम जहाँ से अभी बोले 1 माइनस कोस एक्स का रूट अंडर है, हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो उससे पहले हम इसका फार्मूला लगा देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसका फार्मूला लगा देंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ अंदर में बचेगा टैन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको लिख सकते हैं सिर्फ टैन एक्स बाई 2, और टैन एक्स बाई 2 को एक्स बाई 2 के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स बाई 2 को एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब चैन रूल लगाएंगे। उसके बाद टैन एक्स बाई 2 का क्या बनेगा, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का 1/2। तो यहाँ बनेगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। चलिए ऑप्शन देखते हैं, राइट आंसर बनेगा दूसरा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे 18 नंबर, 1/3 1/9 1/27 ऐसे करके इन्फिनिटी तक का सम करना है। तो आप एपी जीपी एचपी 11 का चैप्टर पढ़े होंगे, तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आप देख पा रहे होंगे ऐसे क्वेश्चंस को पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि ये किस में है, एपी में है, जीपी में है, एचपी में है। तो आप चेक कर पाएंगे तो ये आपको पता चलेगा कि जीपी में है, क्योंकि एक दूसरे से ए और आर सॉरी एक अगला पद पिछले पद से डिविजिबल है, और कितना में डिविजिबल है, तो 1/3 में। तो ए का वैल्यू यहाँ से फर्स्ट टर्म है, और कॉमन रेशियो का अगर बात करें तो 1/3 है, और फार्मूला इसका टोटल सम का फार्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। तो 1/1 - 1/3 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2/3, और 3 ऊपर जाएगा तो बनेगा 3/2। तो इसका टोटल सम जो बनेगा वो 3/2 बनेगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4-1 एक कोऑर्डिनेट्स है, और एक सरल रेखा का समीकरण दिया हुआ है, इस पर लंब डालना है, तो लंब का लंबाई पूछ रहा है। तो चलिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, बट लोगों को इसलिए हार्ड लगता है क्योंकि फार्मूला ही याद नहीं रहता है, कैसे करना यही नहीं पता चलता है। तो देखिए एक पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स है, और इसी बिंदु का कोऑर्डिनेट्स 4-1 है, और एक सरल रेखा है जिसका समीकरण दिया हुआ है 3x - 4y + 2 + 12 = 0। हमें बोल रहा है कि यहाँ से जो लंब डालेंगे तो इसका लंबाई क्या होगा, इस लंब की लंबाई क्या होगा। तो लंब की लंबाई का एक फार्मूला है कि आप x के जो कॉफिशियंट है उसको x के साथ गुना करो, तो x का कॉफिशियंट 3 है, इसको 4 के साथ गुना करेंगे, और यहाँ y वाला को y के साथ गुना करना है, तो y का कॉफिशियंट -4 है, और यहाँ 1 गुना करेंगे, और जो कांस्टेंट रहेगा इक्वेशन का वो वैसे ही रख दिया जाता है, और ये दोनों कोऑर्डिनेट्स का सम 4 और 1 5, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 20/5 और 5 के 20। तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, इसका राइट आंसर लंब की लंबाई आएगा 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, बिंदु इतना इतना से बनाने वाला अंतः केंद्र, एक त्रिभुज है और त्रिभुज का तीनों कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, और हमें बोल रहा है कि अंतः बिंदु का क्या होगा कोऑर्डिनेट्स। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से एक ट्रायंगल बनाया मैंने, अलग अलग वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट्स दिया था 0, 3, 3, 3, 0, 7, और हमें अंतः बिंदु का मतलब होता है त्रिभुज के अंदर कहीं भी बिंदु है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, अंदर कहीं भी। तो पहले हम लोग ये निकाल रहे हैं कि ए से लेके बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो ए और बी के बीच में दूरी सूत्र से फार्मूला लगाएंगे, तो इसके बीच का दूरी 3 निकलेगा, इसके बीच का बी सी के डिस्टेंस निकलेगा 5, ए सी का निकलेगा 4। देखिए हम ए बी निकाल चुके हैं, बी सी निकाल चुके हैं, ए सी निकाल चुके हैं। अब मामला ये समझना है कि ए और सी का बीच की दूरी 3 है, और ए किसकी भुजा के सामने है, तो सी वाला के सामने है, तो ये 3 जो है सी के बराबर होगा, छोटी सी यानी कि सी जो है साइड बोल रहे हैं, साइड बोल रहे। तो ए बी जो निकला ए बी वो हो गया सी वाले साइड का, क्योंकि सी वर्टिसेस के सामने है, तो इसको हम बोलेंगे सी के बराबर 3। बी सी जो निकाले हैं बी से सी तक के, वो ए के सामने है, तो इसको हम बोलेंगे ए है, ए का वैल्यू 5 है, यानी कि ये साइड ऑफ ए हो गया, ए की भुजा 5 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मीटर यूनिट नहीं दी हुई है। नेक्स्ट अगर ए सी निकालेंगे तो ए सी जो है किसके बराबर होगी, तो ए सी जो है बी के बराबर होगी, क्योंकि बी इसके सामने है, तो बी हम छोटी बी मान ले हैं क्योंकि साइड है।
अब अंतः बिंदु का नियामक का फार्मूला आप देख पा रहे होंगे, अच्छा से देख लीजिए, ए एक्स वन बी एक्स टू सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ए वाई वन बी वाई टू सी वाई थ्री। अब हम एक्स वन वाई वन तो इसको हम बोल सकते हैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री। अब इसका वैल्यू सब में पुट कर देना है, एक्स वन वाई वन ए के साथ एक बार एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और ए बी सी के साथ फिर एक्स टू वाई टू वाई वन वाई टू वाई थ्री, तो ये हो जाएगा पूरा वाई का कोऑर्डिनेट, ये बनेगा एक्स का कोऑर्डिनेट और नीचे में ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब है कि पाँच चार और तीन को जोड़ देना है। तो आप सॉल्यूशन करेंगे तो एक चार कट के आंसर आएगा, जैसा कि आप सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे। सॉल्यूशन समझाना कोई जरूरी नहीं है, समझाना ये था कि हम अगर कोई भी ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया रहेगा तो अंतः बिंदु का कैसे नियामक या कोऑर्डिनेट्स कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, इसका आंसर पहले मिला लेते हैं। एक और चार ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, वो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि कोस 36 का मान, तो कोस 36 का मान बिल्कुल ये तो याद करने वाली चीज़ें हैं, रूट फाइव प्लस वन बाई फोर कोस 36 साइन 54 ये सब का वैल्यू याद कर लीजिए कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू 2 है तो हमें साइन इनवर्स x का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या किया जाए कि जो वैल्यू दिया रहेगा उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको चेंज करते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन दिखाते हैं आपको। x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू 2 है, हमको साइन इनवर्स x का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्यों ना इसको पहले एलसीएम लेकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में इसको चेंज कर लिया। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लिया तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इस 2x को हम लोग लेफ्ट साइड ले आए हैं। अब ये फार्मूला बना x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू इससे निकाल लिया। अब x का वैल्यू चूंकि निकल गया है तो साइन इनवर्स x का निकालना बहुत आसान है, x की जगह पे रख देंगे 1, तो अब बनेगा साइन इनवर्स 1 जिसका वैल्यू होता है पाई बाई 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर पाई बाई 2 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, दूसरा सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन 2a का फार्मूला क्या है। तो बोल रहा है कि इसमें साइन 2a का जो फार्मूला होगा उसमें हम लोग काम कर लेंगे, जो सही आंसर होगा उसको हम आंसर करेंगे। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a है और दूसरा फार्मूला 2 टेन a अपॉन 1 प्लस टेन a स्क्वायर a है। तो ऑप्शन नंबर एक भी सही है, दो भी सही है, क्योंकि फार्मूला बेस्ट क्वेश्चन है साइन 2a बराबर, तो उपरोक्त तो दोनों इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि साइन 2a का फार्मूला ये भी होता है और ये भी होता है 2 टेन a अपॉन 1 प्लस टेन a स्क्वायर a और 2 साइन ए इंटू कॉस ए भी होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है, ये फार्मूला बेस्ड है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान ही 0 होता है। नेक्स्ट बोल रहा है आयोटा के पावर 0, जी हाँ आप देख पा रहे हैं बहुत छोटा लिखा हुआ आयोटा, आयोटा के पावर 0, तो आयोटा का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, तो हम आप समझ सकते हैं कि किसी के भी पावर अगर 0 दिख गया तो वैल्यू होता है 1, तो दूसरा करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए बी सी अगर ए पी में है तो आप बताइए कि लॉग ए लॉग बी लॉग सी किस में होगा। चूंकि बोल रहा है कि ए बी सी जी पी में है तो जी पी का प्रॉपर्टीज आपको पता होगा कि जीपी का प्रॉपर्टीज होता क्या है। जीपी का प्रॉपर्टीज होता है कि बीच वाला जो रहेगा उसका स्क्वायर और उसके आजू बाजू वाला का गुणनफल के बराबर होता है, जैसे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। हमसे सवाल पूछा है कि ए बी सी जीपी में है तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी किस में होगा। तो सबसे पहला बात कि ए बी सी जीपी में है तो यहाँ से प्रॉपर्टीज निकालें कि बीच वाला का स्क्वायर किनारे वाला का गुणनफल के बराबर होता है, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। अब दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग इसलिए लेंगे क्योंकि हमको लॉग को ही चेक करना है कि ये चीज़ें किस में होगी, तो लॉग को लेंगे तो यहाँ बनेगा लॉग बी स्क्वायर, यहाँ बनेगा लॉग ए सी और यहाँ बनेगा लॉग एन के पावर एन रहता है तो एन इसके पीछे चला जाता है, मतलब कि 2 लॉग बी बनेगा। और यहाँ अगर मल्टीपल में रहता है तो जोड़ में अलग अलग कर सकते हैं, तो यहाँ बनेगा लॉग ए प्लस लॉग सी। उसके बाद लॉग बी बराबर यहाँ वाला 2 जो गुना में है यहाँ के भाग बन सकता है, और ये वाला प्रॉपर्टीज आप देख पा रहे होंगे एपी का प्रॉपर्टीज है, क्यों, क्योंकि मान लिया 2, 4, 6 एपी में है तो इसके बीच वाला जो होता है वो किनारे वाला का सम का आधा होता है, 2, 6, 8/2, यानी कि जो किनारे वाला हुआ लॉग बी लॉग सी लॉग ए लॉग सी, ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो लॉग बी मिलना चाहिए, सेम प्रॉपर्टीज मिल रहा है, यानी कि लॉग ए प्लस और लॉग सी अपॉन 2 इज इक्वल टू लॉग बी मिल रहा है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये चीजें किस में है, एपी में है, सिंपल। तो ऑप्शन देख पा रहे होंगे ऑप्शन पहला करेक्ट होगा, एपी में आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर देख पा रहे होंगे, एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका बोल रहा है कि मूलों का योग एवं गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो मूलों का योग का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा का रेशियो पूछा जा रहा है, उसका डिविजिबल पूछ रहा है। तो समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे ये समीकरण है, यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि मूलों का योग और उसके गुणनफल का अनुपात निकालना है। तो इस समीकरण से अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए से, माइनस बी बाई ए से यहाँ बनेगा माइनस 12/7 और यहाँ बनेगा सी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए होता है तो 18/7, इस तरह से यहाँ माइनस माइनस प्लस 12/18 और इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो राइट आंसर आएगा 2/3। तो चलिए देखते हैं, 2/3 का मतलब है कि 2:3 करेक्ट आंसर इज दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, समांतर रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो है एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू कॉन्स्टेंट दूसरा है, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए, दो इक्वेशन जब दिया रहता है तब दोनों के बीच का डिस्टेंस, जी हाँ बिल्कुल, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और ज्योमेट्री में आपको याद रखने होते हैं फार्मूला। तो अगर दो समांतर रेखा का समीकरण दिया रहेगा तो उसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो फार्मूला नंबर 2 करेक्ट है। यहाँ पर फार्मूला होता है कि सी वन माइनस सी टू अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉडुलस, का मतलब है कि निगेटिव आएगा तो उसको भी पॉजिटिव करके आंसर करेंगे। तो ये फार्मूला बेस्ट है, इसको आप देख लीजिएगा, ये इसको आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म, जी हाँ आप इलिप्स ही नहीं, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स का सबका आप स्टैंडर्ड इक्वेशन आप याद रखिएगा, तो इसका होता है एक्स स्क्वायर पुन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसी तरह से सर्किल का भी याद कर लीजिएगा, हाइपरबोला पैराबोला सबका भी याद कर लीजिएगा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। इलिप्स का यहाँ पे दिया हुआ था तो इलिप्स का पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि दो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ये दोनों को मिलाने वाला स्लोप क्या होगा। स्लोप का मतलब होता है टैन थीटा, तो यहाँ तो एंगल का कुछ बात नहीं है, तो डायरेक्टली ढाल स्लोप निकालने के लिए रूल है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए देखते हैं, तो दो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों के बीच में कितनी ढाल होगी, कितनी स्लोप होगी। तो स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 का मतलब हुआ कि माइनस 2 माइनस 4 और x2 x माइनस x1 का मतलब हुआ कि 3 माइनस माइनस प्लस 5। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस 3/4 और देखते हैं, चलिए देखते हैं माइनस 3/4 है कि नहीं। तो माइनस 3/4, जी हाँ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दो सिक्कों को उछालने पर दोनों ओर टेल आने की क्या संभावना है। तो पहला बात कि दो सिक्के उछाले जा रहे हैं तो टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेंगे, ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। दो सिक्का उछाल रहे हैं तो कितने कितने इवेंट्स बनेंगे देखते हैं। तो दो सिक्के उछाल रहे तो हेड हेड दोनों पे आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है या टेल टेल आ सकता है। यानी कि टोटल इवेंट अगर हम लोग बात करें सिंपल स्पेस तो 4 बनेगा, और इवेंट कितना होगा तो आप सवाल को फिर से पढ़िए। बोला जा रहा है सवाल कि दोनों ओर टेल आने की, यानी कि दोनों पे टेल आने की, तो दोनों पे टेल एक ही संभावना में आ सकता है टेल टेल, तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी होगी। तो एन ए बाई एन एस, एन ए का वैल्यू 1 और टोटल इवेंट 4, तो 1/4 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एक्सिस के समांतर सरल रेखा का समीकरण क्या होगा। तो वाई एक्सिस के समांतर सरल रेखा का समीकरण, तो देख रहे हैं कि अगर आप जानते होंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस के समांतर हमको चाहिए, तो एक्स का वैल्यू 4 पे, एक्स का वैल्यू 5 पे ही ना ऐसे रेखा बनेगा। इसका मतलब है कि एक्स का कोई भी मान के लिए हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस होंगे। तो ऑप्शन नंबर एक्स का वैल्यू देख लीजिए, एक्स का वैल्यू ए, यानी कि ए क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। एक्स का वैल्यू अगर ए समीकरण कोई ग्राफ खींचेंगे तो हमेशा वाई के पर पैरेलल होंगे, समांतर होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा करेक्ट है, बिल्कुल थ्योरेटिकल था, सोचने वाला क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था। अब जो नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन, देख पा रहे हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डॉट बी का होल स्क्वायर है और इसको प्लस करनी है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर के साथ। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे वो चीज़ें समझ आनी चाहिए। तो ए डॉट बी का फार्मूला ही होता है ए बी कॉस थीटा और क्रॉस में होता है ए बी साइन थीटा।
तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम जानते हैं कि ए डॉट बी का होल स्क्वायर और प्लस ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करने के लिए ए डॉट बी का फार्मूला ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी का फार्मूला ए बी साइन थीटा है। चूंकि स्क्वायर है तो इसका वैल्यू होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इसका वैल्यू होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये दोनों में से कॉमन दिख रहा होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और अंदर में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अकॉर्डिंग टू टेंथ के फार्मूला यानी कि मैट्रिकुलेशन का फार्मूला ट्रिगो का साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है और 1 को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर है कि नहीं। तो जी हाँ, आप ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस इजक्वल टू सी इजक्वल टू पाई है तो हमको फार्मूला वैल्यू क्या होगा साइन बी प्लस सी बाई टू का फार्मूला। तो ये भी ट्रिगो का ही है, ट्रायंगुलर कोई ऐसा चैप्टर है उससे क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं, क्योंकि हमको ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पाई दिया है और हमको इससे पूछ रहा है कि साइन बी प्लस सी बाई टू का वैल्यू क्या होगा। तो हम चलिए इसी से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। हमने क्या किया कि दोनों तरफ पहले 2 से डिवाइड किया तो ऐसा बनेगा। दोनों तरफ डिवाइड करने के बाद b प्लस सी वाले को यानी कि bc पार्ट को एक तरफ रखा लेफ्ट में और इसको भेजा राइट में, तो यहाँ बनेगा पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। और दोनों तरफ साइन लिया, इसलिए साइन लिया क्योंकि यहाँ पे हमको वैल्यू ही निकालना है साइन b प्लस सी बाई टू। तो दोनों तरफ साइन लिया तो यहाँ बनेगा साइन b प्लस सी बाई टू और यहाँ बनेगा साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अकॉर्डिंग टू टेंथ के फार्मूले से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस a बाई टू इसका राइट आंसर होगा, इतना बराबर कॉस a बाई टू। तो ऑप्शन देख पा रहे होंगे कॉस a बाई टू ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट जो है 97 नंबर देख पा रहे होंगे, बोल रहे क्वेश्चन कि I क्रॉस I का वैल्यू कितना होगा। तो जी हाँ, आपको समझना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट में कि खुद खुद का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, यानी कि I I का जीरो होगा, J J का जीरो होगा, K K का जीरो होगा, चाहे A क्रॉस A का भी जीरो ही होगा। यानी कि एक बात याद रख लीजिए कि क्रॉस में खुद खुद का क्रॉस जीरो होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाला था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, टेन स्क्वायर एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेंथ फार्मूला यहाँ भी लगेगा सॉल्यूशन में। तो टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करनी है, तो हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है और इसको फिर से अलग अलग तोड़ेंगे तो बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन और ये बनेगा टेन एक्स और ये बनेगा माइनस एक्स प्लस सी। तो यहाँ आंसर आ जाएगा टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी इज करेक्ट आंसर। और ऑप्शन आप मिला सकते हैं टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना है डी एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स, नीचे एक्स इंटू लॉग एक्स है। तो अब आपको ये समझना होगा कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा, कुछ लेट करना होगा, कुछ मानना होगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको इंटीग्रेट करते वक्त log x को माना t, तो log x को t अगर मानेंगे तो log x का होता है डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और dx, तो t का बनेगा dt। तो अब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो 1 बाई एक्स और dx के जगह पे तो dt पुट करेंगे, तो नीचे तो log x का हो जाएगा t। तो अब नया जो इंटीग्रेशन मिला 1 बाई t dt मिला और 1 बाई t को फिर से लिख सकते हैं log t और t को जगह जो माने थे log x उसको सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे पुट किया तो अब बनेगा log के अंदर log x प्लस सी। ऑप्शन इसका देखते हैं log के अंदर log x प्लस सी है कि नहीं। जी हाँ बिल्कुल सही आंसर 3 है, log के अंदर log x। अब रहा बात कि मॉड कभी कभी देता है कभी कभी नहीं देता है, तो उससे ज़्यादा मतलब नहीं रखा कीजिए, वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिएगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे log x अपॉन x स्क्वायर इंटू dx और लिमिट दिया हुआ है 3 to 1। जी हाँ लिमिट भी दे दिया है कि 3 to 1 करना है लिमिट। तो अब हमें सॉल्व करना होगा कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो 3 to 1 नहीं, सॉरी हाँ 3 to 2 नहीं है, 3 to 1 है। तो आप इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का यूलेट रूल यूज करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं देख पा रहे होंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन है 3 to लिमिट के साथ 3 to 1 है। तो हम log x को एक तरफ किए और 1 बाई एक्स स्क्वायर को एक तरफ किए, यूलेट में जो पहले आता है यूलेट रूल में जो पहले आता है दैट इज कॉल्ड u। तो यूलेट में पहले आया लॉगरिदम फिर आया अलजेब्रा, तो अलजेब्रा को माने v और जो लॉगरिदम आया उसको माने u। और u इंटू v का फार्मूला इंटीग्रेशन में याद होगा कि u को बाहर निकाला जाता है, तो जैसा कि log x को हम बाहर निकालें
और इंटीग्रेशन किया जाता है वी का, तो वी का वैल्यू 1/x² है, इसको डी एक्स के रेस्ट में इंटीग्रेट करेंगे, माइनस फिर बड़ा एक इंटीग्रेशन दिया जाता है, उसके अंदर छोटा इंटीग्रेशन है, मतलब कि छोटा बड़ा होता नहीं है, मतलब हम लोग याद करने के लिए ऐसे याद करते हैं, तो 1/x² dx और u का डिफ्रेंशिएशन, मतलब कि log x का डिफ्रेंशिएशन, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x और 1/x² dx का इंटीग्रेशन -1/x, और ये तो इंटीग्रेशन का साइन है ही है, और इसका वैल्यू भी इंटीग्रेशन कीजिएगा तो -1/x निकलेगा, और इसको गुना कराएंगे तो -log x/x निकलेगा, और इंटीग्रेशन -±1/x² dx। और फिर से अगर हम लोग यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बना -log x/x, फिर से अगेन उसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1/x बनेगा, और सबको एक साथ लिख सकते हैं। और जी हाँ दोस्त, हम लोग c नहीं लगाएंगे क्योंकि लिमिट है 3 to 1, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे, एक बार एक रखेंगे इसके जगह पे, तो बनेगा माइनस को बाहर ही कर लेते हैं, और अंदर में जहाँ जहाँ x आएगा सबके जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 + log 1/1, और फिर माइनस एक बार 3 रखेंगे तो यहाँ बनेगा 1 + log 3/3। तो यहाँ तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, तो ये इसका आंसर बनेगा -1 - 1 + log 3/3। तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ बनेगा 3, और यहाँ बनेगा -3 और +1 + log 3। तो -3 और +1 का मतलब हुआ -2 + log 3/3। तो ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो -2 + log 3/2, तो -2 log 3/3/3, तो ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि हम -2 को पहले लिखे हैं, इसमें बाद में लिखा हुआ है, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हुआ आज का 25 क्वेश्चंस का सेट, तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहे, हम आने वाले टाइम में और भी आपके साथ प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, तो बिल्कुल धन्यवाद आपका।